हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल मैंने आपसे पिछले उसमें आप प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक लैंडस्केप ग्रीन कलर में बना के दिखाऊंगा, लेकिन अब मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया और मैं चाहता हूँ कि आपको जो है वो बहुत एक खूबसूरत जो पेंट वो होती है वो करके बताऊँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, सिर्फ एक ट्री लिया है, एक सिंगल, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा ग्रीन में ही, लेकिन आप ये देखिए कि इसको जो है वो कैसे कैसे करना है। ये यहाँ पर हम जो है एक ट्री का डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे। जो ट्री होता है बहुत खूबसूरत होता है, उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर उसके लिए आपको जो है वो लाइट और डार्क दोनों कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए हम जो है इसमें करेंगे पहले अंदर उसके ब्राउन कलर। जहाँ तक ये होता था तो हम लोग इसके अंदर जो है वो नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, नाइफ। अब हमने ये थोड़ा ब्राउन किया है, अब हम इसमें जो है वो डार्क ब्राउन यूज़ करेंगे। देखेंगे अगर बाई चांस इसमें जो है वो एक आध और ट्री जो है वो बनता है तो वो भी कोशिश करेंगे बनाने की, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ट्री को थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर ये हो गया तो बेस्ट होगा। इसमें हमें जो है वो अब येलो कलर, येलो ऑरेंज सब कुछ जो है वो इसमें इस्तेमाल करना है, और इसको जो है हम कोशिश करेंगे नाइफ उठाते हैं। देखिए हमने जो है इसमें येलो लगाया, अब इसमें हम जो है ना वो छोटी वाली जो नाइफ होती है उसको ट्राई करते हैं कि अगर हम छोटी नाइफ को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो कैसे इसका इफ़ेक्ट आए। ठीक है, ये देखिए हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जैसे ट्री का जो है वो टेक्सचर होता है उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं छोटा छोटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमने दोनों कलर डार्क यूज़ करेंगे इसमें, और उसके बाद जो है हम इसमें नाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पेड़ का टेक्सचर निकालने के लिए। काफ़ी इसका अच्छा टेक्सचर निकला है,
बस ऐसे ही नाइफ को चलाएंगे, उससे ही ये निकलेगा। बस ऊपर नीचे करना है उसे, और उसको जो है आपको टेक्सचर इसका बहुत अच्छे से निकलेगा। अब जो है हम इसमें ब्लैक कलर को थोड़ा थोड़ा फिल करेंगे। अभी हमें इसमें टहनियाँ और थोड़ी सी अटैच करनी है, ये देखिए। ठीक है, ये पेड़ में कहीं कहीं पर गोला सा होता है, ये ऐसे ऐसे होते हैं, और इसको हम ऐसे भी थोड़ा थोड़ा डार्क कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत टेक्सचर जो है वो ट्री का निकल के आया। तो अब फ्रेंड बहुत मतलब उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत टेक्सचर जो है वो निकला है, ये हम सिर्फ नाइफ के उसे ही निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा डार्क कलर फिल करेंगे। देखिए अब ये टेक्सचर आप कितना भी करेंगे आप, लेकिन वो टेक्सचर हटेगा नहीं वहाँ से, वो टेक्सचर अपनी जगह पे बिल्कुल फिट रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी टहनियाँ निकालेंगे। आज एक बहुत अच्छा सेशन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, आप लोग को थोड़ा सा मैं अलग फेस और उससे अलग निकाल के लाया। ये जब मैं वहाँ गया था, क्या ना पटनी टॉप, तब मैंने काफ़ी पेड़ों की स्टडी की थी। ये वही ट्री का थोड़ा टेक्सचर और वो है। देखिए खूबसूरती आप दुनिया के हर नेचर की जड़ कण कण में आप जो है वो ब्यूटी देख सकते हैं। हर चीज़ जो है वो नेचर ने बेहद सुंदर बनाई है, बस हम लोग को उसको समझने देखने की ही आवश्यकता है कि हम लोग उसको कैसे जो है वो एब्जॉर्ब करें, देखें कैसे उसे। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, और ये जो है बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि आप लोग देख लिए या नहीं देखे, वो भी क्या चीज़ है क्या नहीं है वो भी आपको देखनी चाहिए। और आर्टिस्ट का जो भी वो होता है नेचर, वो ये सुनने का होता है कि हाँ भाई उसको कोई कमेंट्स मिलता है तो उसको अच्छा फील होता है कि हाँ भाई किसी ने मेरे काम को
कमेंट्स कमियां निकालिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप तारीफ़ करिए, तारीफ़ मत करिए, आप कमियां निकालिए और कमियां निकाल के मुझे बताइए कि ये चीज़ और होनी चाहिए थी, तो मैं उसको भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मगर बताइए ज़रूर, आजकल लोग जो हैं वो थोड़ा सा टाइम उनके पास है नहीं कमेंट्स करने और वो बताने का और करने का। हमने एक स्टोन बनाया है और हम जो है अब नीचे इसके ग्रीन ज़मीन बनाएंगे, जो घास का टेक्सचर होता है ये बहुत खूबसूरत टेक्सचर होता है इसमें। ये अभी हम जड़ और बनाएंगे ट्री की, हल्का हल्का सा घास बना सकते हैं हम। हमने पहले क्या करते हैं, इसको फिल कर दिया, फिल करने के बाद हम इसके अंदर जो है कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर के पत्ते, ऐसे ये ग्रीन कलर के पत्ते इसमें बनाते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा डार्क कलर भी यूज़ करेंगे उसमें। मुझे लग रहा है कि एक ट्री जो है वो थोड़ा सा वो लग रहा है, इसमें मुझे एक ट्री और ऐड करना चाहिए, वो यहाँ से ऐसे लेके हम ये ऐड कर सकते हैं। दो ही रखेंगे, कोई तो ज़्यादा नहीं ओवर करेंगे। ये जो है ब्राउन कलर है और ब्राउन कलर से ही मैंने इसको दोनों इसको जो है कुक किया है। ये ज़्यादातर ट्री जो है वो पहाड़ों पे और उस पर होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे। देखिए कभी नाइफ का यूज़ जो है मेरे हिसाब से इसमें करना बड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी है, सोचता भी नहीं है आदमी, तो जैसे जो विधा होती है उसी के अंदर वो करता रहता है। ये हमने ऐसा ये पहले वाले लैंडस्केप से मेरे हिसाब से थोड़ा अलग है, लेकिन अच्छा बना, उससे अच्छा। इसमें बस टहनियाँ थोड़ी थोड़ी, ये एक और टहनी, उसके बाद ठीक है जो लीव्स हैं वो बना दूंगा। अब इसमें डार्क कलर लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ना आर्टिस्ट का भी मूड बदलता है, देखने वाले का भी बदलता है और अच्छा भी फील होता है कि हाँ भाई कुछ अलग चीज़ जो है वो आप लोग को बताइए। अब इसमें जो है वो ग्रीन कलर से हम घास बना सकते हैं। घास में आप फिलहाल फूल वगैरह लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं,
ब्लू कलर के, पर्पल कलर के, इस टाइप के मैं भी लगा के दिखा दूंगा आपको। ये अब इसमें हम ग्रीन लीव्स बनाएंगे। फर्स्ट के लिए तो आप इसको ऐसे ही ग्रीन कलर कर दीजिए, और अगर लीव्स आपको करने हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप इस टाइप से हल्का हल्का टच दे के जो है वो लीव बना सकते हैं। आप करेंगे तो डिटेल में करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट है और वो सब कुछ उसी में करना होता है मुझे। ये ठीक है, तो फ्रेंड मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है वो, मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों का कैसा लगा ये मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगा। ये है, ये देखिए हम हल्के हल्के से कैसे देखिए इसमें फ्लावर्स भी बना रहे हैं। अब इसमें हम रेड ना बनाए, रेड ना की जगह हम जो है वो, क्योंकि फ्लावर तो हर तरह के होते हैं, ब्लू कलर। तो फ्रेंड मुझे पता चले कि आज आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स करके बताने वाले हो कि आपको कैसा लगा, और अच्छा फील हुआ तो मैं इस टाइप के एक्सपेरिमेंट अलग अलग करता रहूँगा। अब आप इसको मैं थोड़ा सा उठा के दिखाऊंगा इसका टेक्सचर। ये देखिए, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है? थैंक यू।